मित्रों नमस्कार, मैं योगेश उपमन आपके अपने YouTube चैनल अडोनिस हेल्थ एंड कल्चर में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, उसे बहुत देखा भी होगा, लेकिन इसके कुछ औषधीय प्रयोगों पर प्रकाश डाल रहा हूँ। मित्रों गौर से देखिए इस लता को, इस बेल को, इसका नाम है अमृता यानी गिलोय। मित्रों आयुर्वेद की बहुत ही सुप्रसिद्ध वनस्पति और औषधि है जो करीब पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। संस्कृत में हम इसको गुरुचि के नाम से जानते हैं, अमृतवल्ली, कुंडलनी, चक्रलक्षणा, अमृता आदि इसके संस्कृत नाम हैं। हिंदी में इसको गिलोय के नाम से जानते हैं, बंगाल में इसको गुलच और मराठी में गुड़बेल बोलते हैं, गुजराती में ग्लो और कर्नाटक में इसको अमरवल्ली बोलते हैं, फारसी में इसका नाम गिलाई और अरबी में गलोई बोलते हैं, लेटिन में इसका नाम टिनी स्पोरा कॉर्डिफोलिया है। मित्रों जैसा कि यह बेल बहुवर्षीय जीवी है, यह हजारों वर्षों तक जीने वाली है, यह कभी सूखती नहीं है, यह दूसरे वृक्षों के आश्रय चढ़ती है। जो गिलोय नीम के ऊपर चढ़ती है उसका नाम नीम गिलोय होता है और यह औषधीय प्रयोग में सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। इसके पत्तों की आकृति जो है वो हृदय के समान होती है, इसके डंठल लंबे होते हैं, फूल बारीक पीले रंग के झुमके में लगते हैं और जो इसका फल होता है वो लाल रंग का होता है। मित्रों वो भी झुमकों में ही लगता है। मित्रों इस बेल का जो तना है वही औषधीय प्रयोग में सबसे ज्यादा काम आता है और इस सारी वनस्पति का स्वाद कड़वा होता है। इसके गुण और दोष की हम बात करें मित्रों तो आयुर्वेद में गिलोय कसैली, कड़वी, उष्णवीर, रसायन, मलरोधक, बलकारक, अग्निदीपक, हल्की, हृदय को हितकारी, आयुवर्धक तथा प्रमेह, ज्वर, दाह, तृष्णा, रक्तदोष, बमन, बात, भ्रम, पांडुरोग, आँव, खांसी, ओढ़, कृमि, खूनी बवासीर, बातरक्त, मेद, पित्त और कफ आदि को दूर करती है। इसका एक विशेष गुण है मित्रों, यह यदि घी के साथ ली जाए, देशी घी यानी गाय के घी के साथ ली जाए तो यह बात को दूर करती है। शक्कर, जो गुड़ वाली शक्कर होती है, खांड वाली शक्कर बोलते हैं उसको, यदि उसके साथ ली जाए तो यह पित्त को दूर करने में सहायक है और शहद, शुद्ध शहद के साथ इसका सेवन किया जाए तो यह कफ को दूर करती है और सौंठ के साथ यह आम बात को दूर करने में बहुत मदद करती है। मित्रों यही इसका एक सबसे बड़ा गुण है, सबसे अच्छी खास बात है इस दवा की, इस औषधि की, कि वात, पित्त और कफ तीनों रोगों को यह दूर करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। एकमात्र ऐसी औषधि, ऐसी कहें कि लता, बेल, जो हमारे वात, पित्त और कफ तीनों को सम यानी बराबर मात्रा में करने में सहायक है। कहीं ना कहीं हमारे जो शारीरिक व्याधियां होती हैं उनमें इन तीनों में से किसी एक का निश्चित रूप से या तो वो बढ़ जाती है या घट जाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर बीमार हो जाता है, तो उसको ये सम करने में बहुत सहायक है। इसमें गिलोय में जो है ज्वर नाशक, पित्त नाशक, मूत्रल और शोधक गुण रहते हैं। इसका शामक गुण अत्यंत आश्चर्यजनक है। यदि आयुर्वेद के मतानुसार हम बात करें तो शरीर में पैदा होने वाली प्रत्येक व्याधि में, वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों में या इनमें एक या दो का प्रकोप अवश्य होता है, तो गिलोय में सामक गुण होने की वजह से वह प्रत्येक कुपित हुए दोष को समानता पर ला देती है। जिस दोष का प्रकोप होता है उसको वह शांत कर देती है और जिसकी कमी हो जाती है उसको वह प्रदीप्त करती है। इस प्रकार घटे बड़े दोषों को समान स्थिति में लाकर प्रकृति को निरोग बनाने का गुण दूसरी किसी भी वनस्पति में नहीं होता है, इसलिए इसका नाम अमृता रखा गया है। यह एक ही वनस्पति है जो प्रत्येक प्रकृति के मनुष्य को और प्रत्येक रोग में आसानी से दी जा सकती है। ज्वर पर तो आपने इसका प्रभाव बहुत सुना होगा मित्रों, ज्वर पर जो है इसमें ज्वर नाशक गुण होते हैं और इसी वजह से यह एक विशेष जाति के जो
ज्वर हैं उन किसी भी जाति के ज्वर में इसको निशंकता से दिया जा सकता है। और जीर्ण ज्वर है, टाइफाइड ज्वर है यानी मोती ज्वर जिससे मोती झला बोलते हैं, तो उसमें इसको देने से विशेष लाभ होता है। मोती ज्वर में भी पित्त का प्रकोप होता है इसलिए ऐसे ज्वर में ये बहुत अच्छा लाभ बतलाते हैं। तेज ज्वर आने पर शरीर में जो इसका बुखार शेष रह जाता है उसको निकालने में भी इस वनस्पति ये बहुत प्रभावशाली है। इसके सेवन से रोगों में रोगी जो होता है उसमें शक्ति का एक विशेष संचार होता है और वह बहुत शीघ्रता से होता है, ठीक होने में बहुत सहायक है। यदि ऐसे बुखार हैं तो उनमें तुलसी, बनफला, गांव जमा और इनके साथ अमृता को यदि काढ़ा बना करके दिया जाए तो इससे बहुत ही जल्दी शारीरिक लाभ होता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। यकृत रोग में इसका विशेष लाभ है मित्रों, जो लीवर में हमारे होने वाली तकलीफ है तिल्ली की खराबी की वजह से, तो जलोदर, कामला, पीलिया इत्यादि जितने भी रोग खड़े होते हैं उन सबको दूर करने में गिलोय अत्यंत ही चमत्कारिक दवा है। यहाँ तक कि आंत्रिक्षय में भी, उग्र केसों में भी इसको प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। मंदाग्नि की ऐसी पुरानी शिकायतों में जिनको दूर करने के लिए हजारों रुपए की बहुमूल्य औषधियां भी बेकार साबित होती हैं, उसमें गिलोय आश्चर्यजनक लाभ पहुंचाती है। जिनको भूख न लगती हो, जिनका तिल्ली बढ़ा हुआ हो, यकृत बिगड़ रहा हो, शरीर पीला पड़ गया हो, वजन कम हो गया हो और जो बड़ी बड़ी औषधियों से भी निराश हो गए हों, वो इस आश्चर्यजनक औषधि का सेवन करके अवश्य लाभ उठा सकते हैं। रक्त विकार यदि है तो गिलोय में रक्त विकार को नष्ट करने में शुद्ध रक्त प्रवाहित करने का गुण भी विद्यमान है, इसलिए खाज, खुजली, वात रक्त इत्यादि रोगों में इसकी गूगल के साथ यदि इसका प्रयोग किया जाए तो अत्यंत लाभकारी होती है। मूत्र रोग यदि है, सूजाक, प्रमेह, पेशाब की जलन इत्यादि मूत्र रोगों में भी अपने मूत्रल गुण की वजह से यह बहुत अच्छा लाभ पहुंचाती है। अरंडी के तेल में इसका काढ़ा बनाकर देने से कष्ट साध्य समझे जाने वाले संधिवात में भी बहुत अच्छा लाभ होता है। हिंदुस्तान में के कुछ भागों में तो इसको विष दूर करने में भी एक निश्चित इलाज समझा जाता है। इसको सर्प का काटा हुआ विष हो, बिच्छू का विष हो, तो इसकी जड़ का रस या काढ़े काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है या उसको आंखों में डाला जाता है और आधे आधे घंटे में उसके अवधि में उसको पिलाया जाता है, तो उसका विष दूर होने का भी कुछ लोग दावा करते हैं। मित्रों, अमृत स्वरूप गुणकारी होने के कारण इसे अमृता कहते हैं। इसके नियमित सेवन से कोई भी व्यक्ति निरोग रहकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है, लंबी आयु निस्वस्थ स्वस्थ रूप से रह सकता है। और चिकित्सा विज्ञान भी इसको व्याधि प्रतिरोधात्मक औषधि तत्वों में बताता है। चिकित्सा हेतु कण का प्रयोग इसको अलग अलग रूपों में किया जाता है। ज्वर में मैंने आपको मित्रों बता दिया है कि ज्वर में इसका विशेष लाभ है। शरीर के जोड़ों में, रक्त में, मूत्र रोग जितने भी हैं, जलन, पेशाब, इन सब में इसको लेने से मित्रों पूर्ण लाभ होता है। एक दीर्घायु स्वस्थ जीवन इस लता से पाया जा सकता है। सब जगह उपलब्ध, सभी क्षेत्रों में पाई जाने वाली लता बहुत आसानी से मिल जाती है। तो मित्रों, इसकी जो तना है, इसकी जो बेल है, उसका काढ़ा बना करके प्रयोग किया जाता है। वात, पित्त, कफ सभी में ये पूर्ण रूप से लाभकारी है। इस मित्रों मैंने इस पौधे से आपको परिचय कराया, इस लता से परिचय करा दिया है। समय और आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करें। और यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है मित्रों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हो सकता है आपकी अभी पसंद की इसमें औषधि के ना नहीं आई हो, लेकिन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें मित्रों, क्योंकि अगले वीडियो में हो सकता है आपकी या आपके परिवार की, आपके सगे संबंधियों संबंधित किसी भी रोग की जो उपचार है वो केवल वनस्पति द्वारा कैसे किया जा सकता है ये मैं बताने में आपकी मदद करूँगा। बहुत धन्यवाद मित्रों आपका चैनल देखने का, बहुत शुक्रिया।